इन मनुवादियों का सीधा हमला इस देश के संविधान पे है। और कैसे हम लड़ते हैं, उनसे रेसिस्ट करते हैं, कैसे चुनौती स्वीकार करते हैं, ललकार के लड़ते हैं, हम भागने वाले लोगों में से नहीं है। 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। किसी सवर्ण का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाइए दिल्ली विश्वविद्यालय में। यकीन मानिए, संविधान की जो मूल भावना है, एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। बेरोजगारी का क्या आलम है ये सब कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक कोई एग्जाम हुआ था नौकरी के लिए, ट्रेन में किस तरह से लोग ठूंस ठूंस के जा रहे थे वो हमने देखा ही है। आरक्षण और निजीकरण दोनों जुड़ा हुआ मसला है। ये सरकार जिस दर्शन से काम कर रही है, आरक्षण को इररिलेवेंट बना रही है कि प्राइवेटाइज कर देंगे तो उसमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकारी संस्थाएं जहां पर हैं वहां पर जाकर देखिए, वहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ क्लास 3 तक, क्लास 4 क्लास 3 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हो गया है। विश्वविद्यालय में भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ टीचिंग में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अपॉइंट करने में कोई भी रिजर्वेशन के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तमाम मसले हैं। जुडिशरी है, उसके फंक्शनिंग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उसको भी डाइवर्सिफाई, वहाँ रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का भी दिखना चाहिए, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन सब मामलों को लेकर, और ख़ास तौर से एक बात और बता दूँ, जिस तरीके से मीडिया पर हमले और उसको कंट्रोल करने की तैयारी सरकार कर रही है, ये संविधान की जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको भी एक तरह से दबोचने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर दबाव बना जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, किसी को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, मुस्लिम अगर कोई सवाल करे तो उसको आतंकवादी और पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है, ट्राइबल अगर सवाल करे जल जंगल जमीन का तो उसको नक्सली करार दिया जाता है, और शहरों में जो लोग लिखने पढ़ने बोलने सवाल करने वाले लोग हैं उनको अर्बन नक्सल, जब देश के बड़े बड़े नेता और जो सत्ता में है और नेता इस शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो समझिए क्या आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये रतन लाल है, ओम सुधा है, ये ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं इसको निशाने पर लेने के लिए। तो ये तमाम मसले हैं, इन सबको लेकर 28 तारीख को ऑल इंडिया जो परिसंघ है उसके तत्वाधान में एक रैली रामलीला ग्राउंड में हो रहा है, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हुए, ओम सुधा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक और यहाँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करना चाहता हूँ कि एक समिति बनी है, जैसे नई संसद भवन नामकरण समिति, और देश के तमाम लोगों को जानने का ये हक है और ये समझना चाहिए कि प्रतीकों का महत्व होता है। मूर्ति बनना, पोस्टर लगना, नामकरण करना, इसका महत्व होता है, और आजकल सरकारें वैसे लोगों को भी भारत रत्न दे रही है जो पेप्सी कोला बेचते हैं, वैसे लोग जो कि अछूतोद्धार के लिए जाते थे अछूत के घर में, जब घर पे आते थे तो पानी कपड़ा सहित पानी से नहाते थे, ये भगत सिंह ने लिखा है, वैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, वैसे लोग जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, देश की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वैसे लोगों के नाम पर तरह तरह के भवन, सब सड़क, तमाम इम्पोर्टेंट जगह का नामकरण किया जा रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं नाम में क्या रखा, नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। पूरी दुनिया जो है मोटी मोटी किताब पढ़ के नहीं समझती है कि बाबा साहब क्या लिखे थे और गांधी क्या बोले थे, जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे। तो आम लोग प्रतीकों के माध्यम से ही वो समझती है बात कि हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। तो
तो इसलिए नई संसद भवन नामकरण समिति एक बनी है और हमारी मांग है, लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो नया पार्लियामेंट है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो और इस पे खुले मंच से किसी से भी बहस करने के लिए हम तैयार हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लाने में जितना ज्यादा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है उतना किसी का नहीं। और सत्ता के गलियारों से हमें सूचना मिली है कि हो सकता है इसका नाम हेडगेवार के नाम पर रख दिया जाए, तो ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि हेडगेवार साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाने में। तो इसलिए एक डिमांड है। और आज इस मंच से एक और आपको बात साझा करना चाहता हूँ कि तेलंगाना सरकार ने अपने विधानसभा में ये प्रस्ताव, हम लोग का जो प्रस्ताव है, उन्होंने पास कर दिया है। हमारे साथी वहाँ पर हैं, महेश्वर राज, कल इस मुद्दे को लेकर कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद भवन का नाम हो, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हम लोग मांग भी करते हैं कि उनको अविलंब जो है उनको कोई मुकदमा ना हुआ उसको उनको वापस किया जाए। और हमारी योजना है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट हैं और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इस समिति की ओर से सबको एक पत्र लिखा जाएगा, भेजा जाएगा। सेशन शुरू होगा तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लिखा जाएगा, उनसे बात भी की जाएगी कि इस मुद्दे पे अपना पक्ष रखें कि इस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर क्यों न हो। तो इस बाबत पहले पत्र लिखा जाएगा। और 28 तारीख की जो रैली है उसमें इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया जाएगा। उसके पहले देश के कई जगहों पर लोग अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारी अपील है सभी दोस्तों से कि ये मुद्दा जो है, ये तो एक टेम्परेरी संगठन बनाया गया है, नई संसद भवन नामकरण समिति, ये मुद्दा आप अपने अपने बैनर पे, अपने अपने झंडे तले, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं, किसी संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं, अपने अपने बैनर तले, अपने झंडा तले इस पे कार्यक्रम करें, सेमिनार करें। और संविधान दिवस 26 नवंबर को, रिमेम्बर 26 नवंबर संविधान दिवस को जो साथी, जो संगठन अपने अपने जिला में, अपने अपने जिला में महत्वपूर्ण किसी जगह से एक रैली निकाले शांतिपूर्ण, और एक मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति के नाम हो और मेमोरेंडम कलेक्टर को, वहां पे जो डीएम है, जिला अधिकारी को सौंपे। इन सबका जो है, सबका ये मूवमेंट है। और मुझे याद है कि जब 5 मार्च 2019 का हम लोगों ने आह्वान किया था रोस्टर के मसले को, तो हम लोगों ने जरूर इसकी शुरुआत की थी, आह्वान किया था, लेकिन इसको ओपन छोड़ दिया गया था कि सब लोग अपने अपने मंच से, अपने अपने पोस्टर, बैनर, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर इस आंदोलन को हम लोग ले जाना चाहते हैं कि ये जो है उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि सब अपने अपने मंच पे, बैनर पे सेमिनार करें, प्रदर्शन करें, मार्च निकालें, डीएम को 26 नवंबर को तो जरूर आप दें। और मिला जुला कर ये 28 नवंबर 2022 को ये पोस्टर रिलीज कर रहा हूँ, इन सभी मसलों को लेकर गांधी रामलीला ग्राउंड में दिल्ली एक बड़ी विशाल रैली होने जा रही है। परिसंघ के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेरा यह कहना है कि और संगठन जो आना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आइए। ये इनिशिएट जरूर परिसंघ की ओर से हो रहा है, लेकिन यह जन आंदोलन में तब्दील होना चाहिए। इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है, जो लोग आना चाहते हैं अपना बैनर और झंडा पोस्टर लेकर शामिल हो, जो कुछ प्रमुख संगठन उसमें आएंगे पहले हमें सूचना दे दें, उनका नाम प्रमुखता से उसमें रखा जाएगा और उनसे बात भी करवाया जाएगा। और नंबर है परिसंघ का 8789325595, इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं ओम सुधा से कहता हूँ कि इस मसले पे क्या क्या होना है बात रखें। के ऊपर ही लिखा हुआ है, याचना नहीं अब रन होगा। सीधी सी बात है
किस देश में खास तौर पे पिछले 8 साल से जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से हमारे आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिस तरह से भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग जिस तरह से भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों के लिए अब जो है जीवन या मरण का प्रश्न है। जो अपील अभी हमारे डॉक्टर रतनलाल सर ने की है कि 28 नवंबर को अब दिल्ली का रामलीला मैदान भरना होगा, देश के दलितों ने अब देख लिया है यह सरकार उनके साथ क्या करने वाली है, यह सरकार सत्ता उनके साथ क्या कर रही है। आप तमाम विश्वविद्यालय उठाकर देख लीजिए कि हमारे समाज के प्रोफेसर के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट बने हुए हैं, नई नियुक्ति में भेदभाव हो रहा है, और यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं है, किसी एक कॉलेज विश्वविद्यालय की बात नहीं है, पूरे देश में यह हो रहा है। अपने समाज के प्रोफेसरों की हालत देख लीजिए, अपने समाज के कर्मचारियों की हालत देख लीजिए। जिस तरह आपको क्या लगता है निजीकरण ये लोग विकास के नाम पर ला रहे हैं, लेकिन क्या यह निजीकरण किसी विकास के लिए है? यह निजीकरण विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह निजीकरण इस बात के खिलाफ है। आज हमारे शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, हमारी थाली में अच्छा खाना है, और हम आज 4 पहिए गाड़ी में घूमते हैं, यह निजीकरण उसके खिलाफ है। क्योंकि उनको पता है जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं, यह सब कुछ हमारे हम लोगों को आरक्षण की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। इसलिए इन मनुवादियों का सीधा हमला इस देश के संविधान पे है, इस देश के लोकतंत्र पे है, बाबा साहब की पूरी वैचारिकी पर है। इनको पता है कि सरकारी संस्थानों में नौकरी करके ये लोग आरक्षण पाते हैं और इनकी जिंदगी में बदलाव हुआ, इसलिए ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे, चाहे ईवीएम का सवाल हो, जैसा कि अभी डॉक्टर रतनलाल साहब ने बताया कि ईवीएम बेईमान मशीन है, हम लोग मानते हैं ईवीएम बेईमान मशीन है, हम लोग मानते हैं कि जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं, आप बताना, भेड़ बकरी गाय सुअर इस देश में सब कुछ गिना जाएगा, लेकिन आदमी की गिनती नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आखिर जिस जाति में शादी ब्याह से लेकर लोग घर किराया मकान तक लेते हैं जाति के आधार पर, वहां जाति जनगणना के प्रकाशन से इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको पता है वो कल 15% थे, अब घटकर 5% पे आ गए हैं, और हमारे तमाम संसाधनों पर उन्होंने हकमारी की है, उनको यह पता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना का भी सवाल उठना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों को एकीकृत करके हम लोग 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सर ने अभी कहा, इनिशिएट भले ही हमारे अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदित राज जी ने लिया है, लेकिन यह लड़ाई देश के हर अंबेडकर के मानने अंबेडकर को मानने वालों की लड़ाई है, इस देश के जितने संविधान को मानने वाले लोग हैं या उनकी लड़ाई है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, 28 नवंबर 2022 की रामलीला मैदान की रैली उसकी लड़ाई है। 28 नवंबर 2022 इस देश के दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होना चाहिए। जिस तरह की लड़ाई हम लोगों ने अप्रैल 2018 में की थी, उसी तरह की लड़ाई छेड़ने का समय हो गया है। इसलिए एक बार फिर हमारा नारा है, याचना नहीं अब रण होगा, और 28 नवंबर 2022 को हम इस मनुवादी सरकार को, हम इस देश के दलितों पिछड़ों बहुजनों के साथ मिलकर रामलीला मैदान घेरेंगे, संसद का घेराव होगा, और इस पूरे आंदोलन के माध्यम से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, अब बहुजनों को आप दबा नहीं सकते। देखिए, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल पार्टी हियर, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, इंडिपेंडेंट एकेडमिशियन है, एक्टिविस्ट है। और आप थोड़ा पीछे जाइए, 18 की चर्चा इन्होंने कर दी, 19 की चर्चा हमने कर दी, कि भारत बंद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था, सामाजिक संगठनों ने किया था, इनिशिएट कोई किया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो जन आंदोलन बना और सरकार को झुकना पड़ा दोनों बार, किसान आंदोलन के सामने भी झुकना पड़ा। तो हमारा काम है लोगों को जागृत करना, अवेयरनेस फैलाना और एजेंडा सेट करना, एजेंडा की सेटिंग करना। बाकी कौन पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वह देखा जाएगा। अगर लोग जागृत हो जाएंगे, हमारे साथ
अगर खड़े हो जाएंगे, दिख जाए कि आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है, तो हम अपना एक घोषणा पत्र जारी करेंगे ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस घोषणा पत्र पर अमल करेगी हमारा समर्थन उसी को होगा। घोषणा पत्र जारी करेंगे, बहुजन घोषणा पत्र। आपको याद होगा एक घोषणा पत्र भोपाल में भी जारी हुआ था, दलित घोषणा पत्र, दलित दस्तावेज 2002 में। उसमें चर्चा कम हो रही, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। और एक बहुजन घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे जिसमें अपना एजेंडा सेटिंग करेंगे। लेकिन ये सब तब संभव हो पाएगा कि जब लोग इसकी जो संवेदनशीलता है, जो इसकी सीरियसनेस है, लोग समझेंगे। लोग अपने लिए छोड़िए, आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ियों के जो हित हैं उसको बचाने के लिए अपना निजी स्वार्थ त्याग कर सड़क पे आएंगे, संसदीय तरीके से, कानूनी संवैधानिक तरीके से आंदोलन तेज करेंगे। हमारा तो ये काम है ना, विकल्प क्या होगा नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी बता सकते हैं ना एजेंडा। हमारा काम है मुद्दे को गर्म करना। और ये एक्सपेरिमेंट भारत में 3-4 साल में हो चुका है, और इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए जितने कि 18, 19, 20 सारे आंदोलन देखे हमने। वो सफल क्यों हुआ? सफल इसलिए हुआ कि लोग आए सड़क पर। तो हमारा काम है जन जागृति करना, जहां भी जा रहे हैं लगातार बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, लोग समझ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। अब इसको 24, देखिए ये 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 भी इंपॉर्टेंट है। आरएसएस बना था 100 साल मनाने वाला है, तो 24 के चुनाव में अगर ये आ गए इसी तरीके से तो मुझे संदेह कि लोकशाही के तो धीरे धीरे जो पिलर सब है वो छिटकाते जा रहे हैं ना, हो सकता है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही ना कंप्लीट घोषणा ही कर दे। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने धीरे धीरे छिटका रहे हैं, तो 25 में घोषणा ही ना कर दे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मनुस्मृति रहेगा। तो इसको एहसास करते हुए, इसको समझते हुए हम लोग पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं, एजेंडा सेटिंग करेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। लोग अगर आ जाएंगे हमारे साथ, सड़कों पे आएंगे हमारे साथ, क्या अपने साथ खड़े हो, हम लोगों ने इनिशिएट किया है कि इसमें अपना झंडा बैनर पोस्टर लेके आइए, अपना भाषण कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन एजेंडा सेटिंग करिए, तभी आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य जरूर आए। कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। एजेंडा ये है, इस पे आके अपने, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल क्लास आए, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए यहाँ पर, उनकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या, अल्टीमेटली ये जो या तो आरक्षण खत्म होना है, निजीकरण होना है, कुछ भी होना है, तो होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा ना, ये सड़क पे तो होगा नहीं। ये पॉलिटिकल डिसीजंस तो पार्लियामेंट के अंदर ही लिए जाएंगे, तो हम उनको न्योता भी दे रहे हैं कि आप आइए और इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखिए, कोशिश करना है, और आ जाए तो स्वागत है, नहीं आएगा तो कारवा तो चलता रहता है ना, कई बार आंदोलन नेता पैदा कर देता है। तो एक ही संदेश है, जो डर गया वो मर गया। और मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आ रहा हूं, कॉलेज से ही आ रहा हूं, आप रोहित बमुला से उठा के देखिए, पायल तड़वी, रोहित, वैसे हजारों, थोरट साहब की कमेटी बनी थी एम्स में जांच करने के लिए कैसे दलित एट्रोसिटीज होता है। तो आज मैं खोली देता हूं, एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया, पता है आप लोग जी है? क्यों? क्योंकि उसका प्रमोशन होना था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना था, और उसको तरह तरह से अंदर प्रताड़ित किया जा रहा था। हम तो ऐसे लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि सुसाइड ये सब कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ही जीवन मिला है, लड़ो। अब मैं खुद ही एग्जाम्पल बैठा हूं, ये ओम सुधा मेरे घर जाते हैं, कई साथी आते हैं, मैं हिंदू कॉलेज में रहता हूं, और वहां पे जाकर देखिए बाबा साहब की मूर्ति लगी हमारे घर पे, और प्रिंसिपल ने वहां कंपोस्ट पिट के नाम पे कूड़ा दान खोला हुआ है। क्या कहिएगा, ब्राह्मण का घर अगर होता हो तो उसकी इतनी औकात होती, हिम्मत होती कि वहां पे कूड़ा दान खोल दे, जबकि हम नहीं थे दिल्ली में रातों रात? वो है ना, रखा हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं कि मिट जाएगा, जाके देख लीजिए उस पर, एक रिपोर्ट करिए। मेरे खिलाफ झूठा ये महिला उत्पीड़न केस लगवाया गया है, फर्जी, दोनों बार हरा दिया वहीं पे, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया मुझे, 16 से लेके आज तक। शंभू ने स्टोरी भी की थी उस पर, छुट्टी मांग रहा हूं सबैटिका, आई एम द सीनियर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज, 4 साल से छुट्टी मांग रहा हूं सबैटिका लीव, कोई रिप्लाई नहीं है। हम एग्जाम्पल खाली दे रहे हैं, और कैसे हम लड़ते हैं उनसे, रेसिस्ट करते हैं, कैसे चुनौती स्वीकार करते हैं, ललकार के लड़ते हैं, हम भागने वाले लोगों में से नहीं है। मेरा प्रोफेसरशिप सीनियर मोस्ट टीचर है, 18 से ड्यू है,
मेरा फाइल ही प्रोसेस नहीं हो रहा है। आज पता लगा है कि कहा जा रहा है कि केस की वजह से नहीं, तो कौन सा केस भाई? भारत के किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर मेरे ऊपर FIR है तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा? तो मेरा एक काम करो ना, FIR है तो मेरा सर्विस ही टर्मिनेट कर दो ना, प्रमोशन का है रोके? इतनी हिम्मत है तो सर्विस टर्मिनेट करो, सस्पेंड करो। 4 मुकदमे अभी भी लड़ रहा हूं हाईकोर्ट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग बोलने वाले लोग हैं, जो कॉलर अपना ऊंचा रखते हैं, सीना चौड़ा करके चलते हैं, नौकरी मिलना आसान है, स्वाभिमान के साथ काम कर लेना, नौकरी कर लेना बहुत मुश्किल है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो आई एम पेइंग द कॉस्ट। 4 मुकदमे हाई कोर्ट में है, अभी मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, छुट्टी नहीं मिल रही है। प्रमोशन रुकने का मतलब क्या है कि मेरा एकेडमिक करियर आप खराब करने की आपकी मंशा है? जाति के आधार पर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुयम दर्जे के नागरिक है, आपका ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम, मैं तो खुद ही एग्जाम्पल दिया हूं ना, आप क्रॉस चेक कीजिए, जाइए यूनिवर्सिटी में, सबको VC को पता है, जाके पूछिए मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। 10 किताबें प्रकाशित है, 13-14 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, सैकड़ों भाषण देश के पूरे नामी ग्रामीण विश्वविद्यालयों में है, किसी सवर्ण का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाइए दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका हो गया? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, देश के नामचीन कॉलेज में पढ़ाता हूं मैं, और संसद से कितना किलोमीटर मेरा घर है? 8-9 किलोमीटर। हम बाहर निकल के आपसे बात कर रहे हैं ना, हिम्मत कोई टैबलेट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो सिरप और टैबलेट नहीं है कि खा लीजिएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं है, मैं जानता हूं वो, इसलिए लड़ाई मैं इसका कॉस्ट इसलिए पे कर रहा हूं कि समाज के मुद्दे को उठाता हूं। डॉक्टर रामसुधा, क्या आप भी इनकी बातों को इंडोर्स करते हैं? बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है इस देश में। जब आप सोचिए ना, मकान जाति के आधार पर दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो लोग शादी जाति के आधार पर करते हैं, मकान जाति के आधार पर करते हैं, वो रतनलाल जी को जो है प्रिंसिपल होते देखेंगे, उनको बर्दाश्त होगा? कोई डेटा है आप लोगों के साथ, कोई फैक्ट है, कोई रिसर्च वर्क है, या बस ये थोरट कमेटी की रिपोर्ट है एम्स पर? थोरट साहब अभी दिल्ली में ही है, जाके पढ़िए, और कई आंकड़े आए हैं, जाके आप जो क्राइम ब्यूरो है NCRB उसमें जाके एट्रोसिटीज में पहले केसेस तो देख लीजिए, कितने केस हुए रजिस्टर, और जो रजिस्टर नहीं वो छोड़ दीजिए, कितना कन्विक्शन रेट है, कितने लोग गिरफ्तार हुए। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने तो राजनाथ सिंह से मिला था जब होम मिनिस्टर थे, पुलिस कमिश्नर से मिला था, और ये सब जानता है वहां क्या हो रहा है, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोगों के खिलाफ। कंप्लेन देखिए, अभी दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल में FIR हुआ है ना। डेटा इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है, हम तो एग्जाम्पल खुद दे रहे हैं कि जब मेरे जैसे लोग के साथ इतना मेंटल प्रेशर बढ़ाया जाता है कि आप सरेंडर कर जाओ, तो आम लोगों का क्या हाल होगा, जो कि सब जानते हैं कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं। एक भी पूरे देश में कितना वाइस चांसलर दलित है, कितना वाइस चांसलर आदिवासी है, कितना वाइस चांसलर OBC है, इससे बड़ा डेटा क्या होगा? कितने जज OBC दलित SC ST OBC के हैं? तो ये तो भेदभाव ही है ना, भेदभाव को अलग से होता है क्या? कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, डिग्री में वेरिएशन हो सकता है। बीजेपी आई है तो इसको लगता है शासन में जो पीछे लोग हैं RSS और पूरा हिंदुवादी संगठन, इनको लगता है पुष्यमित्र सिंह के बाद पहली बार इतना शासन में आए हैं, तो इनमें दमन ज्यादा हो रहा है। सब है, सब है, ये सब SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं इवन सभी सफर कर रहे हैं इस सरकार में, इस शासन में। क्या कहना है, नेता है वो, संसद विधानसभा जहां जाए। देखिए, जब लोग सड़क पे आते हैं ना, जब लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाता है। मैं नेता से मिलता हूं, हर पार्टी के नेता से मिलता हूं, कभी अपने काम के लिए नहीं जाता हूं कि मेरा ये करा दीजिए, मुझे वाइस चांसलर बनवा दीजिए, मुझे ये बनवा दीजिए, अपने काम के लिए नहीं जाता मैं, मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे यहां मेंबर बना दीजिए, इसके लिए नहीं जाता मैं। जब भी मिलता हूं नेताओं से तो समाज के काम के लिए, एजेंडा के लिए मिलता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि संसद को अगर आवारा नहीं बनने देना है तो हमें संवैधानिक तरीके से सड़कों पर रहना पड़ेगा। जब अप्रैल वाला मसला हुआ, 2 अप्रैल वाला, तो फिर संसद में आवाज गूंजी थी ना। जब 5 मार्च को रोस्टर का आंदोलन हुआ तो संसद में आवाज गूंजी थी ना, तो मुझे सड़क गरम करके रखना है। जब सड़क गरम रहेगा तो संसद भी गरम रहेगा। और 28 नवंबर को सड़क गरम करने का कार्यक्रम है रामलीला मैदान में।
देखिए ऐसा है, जैसा राज सत्ता होता है ना, जुडिशरी का चरित्र वैसा ही होता है कि राज सत्ता जैसा होता है ना वैसी होता है उसका न्यायपालिका भी। और बहुत सारे मसले जो है ना न्यायपालिका में नहीं हल होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। दो एग्जांपल दिया ना आपको, 2 अप्रैल और 5 मार्च सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था ना, वो जजमेंट, उसको टर्न डाउन पार्लियामेंट से करवाया ना, तो बहुत सारे मसले जो है ना पॉलिटिकल होते हैं, विधानसभाओं और लोकसभा राज्यसभा में और सड़क पे लड़ा जाता है, न्यायपालिका में जाने की जरूरत नहीं होती।